आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल के बेसिक कंसेप्ट के बारे में। आज हम बात करेंगे पेस्ट स्पेशल के आगे के चीजों के बारे में। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं पेस्ट एज ए लिंक के बारे में। मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपके पास कोई एक डेटा है और आप चाहते हैं कि एक जगह पे जो टाइप है वो दूसरे जगह पे भी सेम लिंक हो, एक चेंज हो दूसरा अपने आप अपडेट हो जाए। जैसे कि मान लीजिए कि आप डेट ही डालते हो ना, आप एक रिपोर्ट बनाया और एक रिपोर्ट में आपके पास अगर 10 सीट है तो 10 सीट के ऊपर आपको डेट डालना होता है। तो हम लोग क्या करते थे कि लिंक कर लेते थे इस तरह से, इक्वल प्रेस किया, लोकेशन पे जाए क्लिक किया एंड एंटर कर दिया, फिर वापस इक्वल किया, लोकेशन पे गए क्लिक किया और एंटर कर दिया, फिर वापस यहां भी आए, हम इक्वल प्रेस करेंगे, लोकेशन पे जाएंगे, सिलेक्ट करेंगे एंटर, और फिर यहां वापस इक्वल करेंगे, लोकेशन पे जाएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे एंड एंटर हो जाएगा, राइट? ठीक है। अब उससे फायदा क्या हुआ कि मान लीजिए कल जो मुझे अगर डेट डालना होगा तो जब कल मैं डेट 23 सिर्फ एक सीट 1 पे डाल के एंटर करूंगा, आप देखेंगे कि सीट 2 शीट 3 सब पे चेंज हो गया। ठीक, तो जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे लिंक यहां करना है, सिंपल बताता हूं, जैसे पूजा को सिलेक्ट करके एंटर कर दिया, मैं पूजा के जगह पे अगर पूजा सिंह करके जैसे एंटर मारूंगा ये यहां पे पूजा सिंह अपने आप शो कर देगा। लेकिन क्या होता है कि चलो छोटा मोटा डेटा है तो आप इक्वल करके लिंक कर लेते हैं, लेकिन जब बड़ा डेटा होता है तो दिक्कत होती है। तो मान लीजिए कि मुझे नेम चाहिए और मान लीजिए मुझे अप्रैल का और मुझे जून का टोटल चाहिए, ये चाहिए, तो इसको हमने कॉपी किया और फिर हम यहाँ पे पेस्ट स्पेशल, जी हाँ पेस्ट स्पेशल में आपके पास पेस्ट एज ए लिंक होता है। पेस्ट एज ए लिंक करेंगे तो ये लिंक कर देता है। मैं कुछ भी चेंज करूंगा, इसमें 30 को अगर मान लीजिए कि 65 के एंटर मारा, यहां अपने आप चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं पेस्ट एज लिंक। समझ आ गया जी? मैं एक और आता है पेस्ट एज पिक्चर। इससे मान लीजिए कि मैंने इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर देता हूं, अब मुझे इस डेटा थोड़ा सा बड़ा है लेकिन मुझे एक छोटे से एरिया जो दिख रहा आपको, मुझे इसी एरिया में इस डेटा इस रिपोर्ट को दिखाना है, तो पॉसिबल तो नहीं है ना सर, क्योंकि तो बड़ा है छोटा दिखाना है। तो हम लोग क्या करते थे कि इसको कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहीं पे पेस्ट के नीचे, पेस्ट स्पेशल के नीचे आपको यहाँ दिखेगा पेस्ट एज ए पिक्चर, दिख रहा है? ठीक, क्या पेस्ट एज ए पिक्चर पे क्लिक कर दे। ठीक है, ओके okay. मैं इसको इजिली से कॉर्नर से पकड़ के छोटा कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, तो ये इमेज हो गया, मतलब कि जो पिक्चर होता है ना पिक्चर हो गया। अपना मर्जी से आप जैसे मर्जी इसको आप यूज कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो या कुछ भी कर सकते हो। ओके सर, ठीक है, समझे? हाँ ठीक है। ये जो अभी आपने एक वो पेस्ट एज ए लिंक वाली बताई है चीज, मसलन ये एक एक्सेल से दूसरी एक्सेल को कनेक्ट करना, तो ये इसी के अंदर आ जाता है या अभी आप ये टॉपिक कवर करेंगे जैसे वो इज इक्वल टू? और यही तो है ना, इसी में आया, पेस्ट एज ए लिंक ऐसे ही होता है। और दूसरा जो कैलकुलेशन का अलग पार्ट है कि हमें लिंक तो करना बट कैलकुलेट करके कुछ ऐसी कैलकुलेशन करके, तो फॉर्मूले वाले सेक्शन में बात करेंगे, वो फॉर्मूले में बात करेंगे। लिंक आपको लिंक समझ में नहीं आया? नहीं, मुझे लिंक में समझ आ गया है, क्योंकि मेरा हाँ। मैं आपको चीज दिखाता हूँ, एक सेकंड ना, एक मिनट होल्ड करें मेरा, मैं आपको ना
अच्छा अब आपको ये, मैं आपके साथ अपनी ना स्क्रीन शेयर करने लगा हूँ, ठीक है? अभी स्क्रीन शेयर नहीं हुआ, अब स्क्रीन मैं शेयर करने करिए, लगा हूँ। शेयर माई स्क्रीन पे क्लिक कीजिए। अब आपको नजर आ रहा है? जी ठीक है, अब ये देखें। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। ये फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है? ये यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मैं ये अगर आपने पेस्ट लिंक का बताया। अब ये देखेंगे, अब ना यहाँ पे ना ये देखें, ये एक बजट है और ये कैश फ्लो है। अब ये बजट और कैश फ्लो आपस में लिंक है कैसे, ये देखें। फॉर एग्जाम्पल देखें, ये इधर तो 0-0 है, ठीक है? अब रेट्स, अब ये क्या कह रहा है कि हाँ, रेट्स जो लिंक अभी है, बजट सिंपल सा की, लिंक किया हुआ है, इक्वल पे क्लिक किया हुआ है। हाँ लिंक किया, बिल्कुल सिंपल लिंक किया हुआ है। अब पहली बात ये कि अगर मैं इस डायरेक्ट सेल पे जाना चाहता हूँ दूसरी शीट की, तो वो कैसे जा सकता हूँ? कोई वे है या मुझे यहाँ से जाके बजट के अंदर ये सेल देखना पड़ेगा? अच्छा, पहला क्या क्वेश्चन देखना, क्या करना चाहते हो? कि मैं इस सेल को डायरेक्ट जाना चाहता हूँ, कि इसी शीट में रह के मैं कहूँ कि मैंने बजट हाँ, E5 मैक्स इसको कॉपी कीजिए, कॉपी किया। बजट को नहीं, बजट के ऊपर फॉर्मूला डबल क्लिक करके फॉर्मूला है कॉपी कीजिए, नहीं उस पे नहीं, डबल क्लिक कीजिए ऊपर फॉर्मूला बार में, ना एफएक्स, ये हाँ, इसको कॉपी कीजिए, माइनस मत कीजिएगा, माइनस लगा दीजिएगा, माइनस लगा हुआ इसमें, हाँ इक्वल और माइनस माइनस लगा को रहे छोड़ मैंने, के, इक्वल और माइनस छोड़ के कॉपी ठीक है कीजिए, कर दिया, स्केप कीजिए, स्केप हो गया। ओके। अब यहाँ D43 दिख रहा है आपको, यहाँ डी FX के फोर्टी बगल में एक और है ना, D43 दिख रहा होगा आपको, हाँ ये जी 12 के ऊपर एड्रेस बार बोलते हैं उसको, हाँ उस पर क्लिक कीजिए, पेस्ट कर दीजिए, एंटर मारिए। गया? पहुंच गया। अच्छा, इसको ये बॉक्स पूरी वर्कशीट को सर्च करने के लिए होता है? एड्रेस शीट है, ये किसी जगह पे जाने, जहां पे क्लिक है उसका एड्रेस बताता है, कहीं पे जाना है तो उसका एड्रेस यहाँ टाइप कर दीजिए, वहां पहुंच जाइए। और अगर वापस अब जाना, वापस जाना होगा तो फिर एड्रेस लिखना पड़ेगा वहीं जहां। अच्छा, आप और अगर हाइपरलिंक टाइप नहीं बनाना चाहते हैं क्या, नहीं क्लिक करते हैं पहुंच हाइपर लिंक नहीं, जाएगा, हाइपर लिंक तो मुझे पता है, हाइपर लिंक तो नहीं, हाइपर लिंक नहीं। नहीं तो फिर आपको वापस जाने के लिए फिर यही पे क्लिक, वही पे वो एड्रेस लिखना पड़ेगा पूरा एड्रेस। या फिर एक काम कर सकते हैं, सुनिए ना, इसमें आइए, मुझे इसके ये कीजिए, स्टॉप कीजिए, मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। मेरे पास इसका है ऑप्शन, स्क्रीन को बंद करूं? अच्छा, हाँ इसके स्टॉप शेयर कीजिए ना। मेरा और भी क्वेश्चन है, चलो पहले आप मुझे बता दें फिर मैं इस पे आता हूं। ये ले, हाँ देखिए क्या होता है कि अगर आप एक जगह से दूसरे जगह पे जाना चाहते हैं लिंक के थ्रू, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लिंक है आपका, हमने लिंक कर दिया यहाँ पे, राइट? तो अब इसमें दिक्कत क्या होता है कि अगर B5 पे लिंक है, मुझे B5 पे जाना है, तो यहाँ B5 डाल दीजिए तो आप B5 पे पहुंच जाएंगे। अब लेकिन मुझे पता करना है, मुझे वापस जो इससे जो लिंक है वहां पे जाना है, तो वहां पे कर्सर जा तो नहीं पाता है, लेकिन फॉर्मूला बार में आपके पास एक होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट में क्लिक करेंगे तो आपको बता देता है कि किससे लिंक है, समझे? लेकिन ओके। अगर 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 एक डिफरेंट सीट से लिंक है, मतलब कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर है और हम इसको लिंक कर देते हैं मुंबई से, राइट? मुझे पता करना है कि किससे लिंक है, तो यह डिपेंडेंट में क्लिक करता हूं ऊपर में, तो ये बताता है कि किसी और सीट से लिंक है, बट उस सीट पे जा नहीं पाएगा। लेकिन हाँ, इसकी एड्रेस को आप कॉपी कीजिए और यहाँ पे आप पेस्ट कर दीजिए, यहाँ पे उस लोकेशन पे आप चले जाएंगे। बट अब प्रॉब्लम यहाँ पर आती है कि ये जिससे लिंक है वहां पे पहुंच जाओ तो ये नहीं हो पाता है। लेकिन अगर आपके पास कुछ कॉमन है, मतलब
कि आप ये चाहते हैं कि कुछ कॉमन चीजें हैं जो बराबर में उस पर जाते आता रहता हूं, तो उसके लिए व्यू के अंदर में आपके सामने आता है कस्टम व्यू। तो यहाँ पे आप जो है व्यू बना लीजिए कि हाँ मुझे इस पे आना पड़ता है, लेकिन ये बहुत सालों के लिए नहीं है, ठीक है। अब मैं कहीं भी रहूंगा, कस्टम व्यू पे जाऊंगा, इस पे क्लिक करके शो पे जाऊंगा तो मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वो इतनी इतनी देर इतनी वो उसके ऊपर जाने का बेहतर है नीचे से चला जाए। हाँ, ये दिक्कत है, क्योंकि फॉर्मूला है, हाइपरलिंक नहीं कर सकते, हाइपरलिंक हुआ तब इधर से उधर चला जाएगा, फॉर्मूला लिंक में थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा, हम उस जहाँ से डेटा सोर्स आया वहां पे जा सकते हैं, लेकिन उससे फिर वापस नहीं आ सकते हैं। वापस आ सकते हैं, बट आपको याद होना चाहिए कि जे सटीन है तो आपको वैसे वापस आना है, जहां पर लिखना पड़ेगा इस तरह से सीट 7/J13, समझ गए ना। मेरे को कोई डायरेक्ट नहीं है वापस जाने के लिए, क्या डायरेक्ट हम वापस नहीं। अच्छा एक मिनट, अब मुझे एक और क्वेश्चन है, देखिएगा जरा। अच्छा मैं दोबारा इस शीट पे आ गया। अच्छा एक तो ये क्वेश्चन अच्छा लें, एक तो मुझे ये आ गया, और दूसरा क्वेश्चन ये है कि फॉर एग्जांपल मैं ये मैंने रेट्स हैं, ठीक है रेट्स, ठीक है, ये फार्मूला बार में ये मेरा जनाब ये लिखा हुआ है कि बजट E59, ठीक है। मैं अब वही आपके वाला काम करता हूँ, कॉपी किया, स्किप कीजिए, स्किप स्किप स्किप। ओके, फार्मूला एक्टिव है ना, स्किप। अच्छा ये ऐसे क्यों किया इसने, कॉपी करके एस्केप करके, क्योंकि आपने जब डबल क्लिक एडिट मोड में है, कुछ भी कीजिएगा तो उस पे वो एंट्री करता है, उसने एंड फार्मूला सेट कर लिया। देख रहे ये आपका एडिट मोड में है, ये एडिट मोड में है, कुछ इसमें समझ रहा है एक्सेल इसमें कुछ टाइप करना है, और जब यहाँ एंड नेम बॉक्स में क्लिक कर दिखा एंड लिखा हुआ है तो समझता है कि एंड का फार्मूला लगाना है, क्लिक करते एंड का फार्मूला लगा दिया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अब यहाँ पे ये रेट्स है मेरा, ठीक है, ये मैंने फोर का ये एक्चुअल में मेरा यहाँ पे है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अब वहां पे जाके मैंने करना है कि क्योंकि मैं वहां पे उसको लिंक किया हुआ है, अब राधर दैन के जो मेरा नेक्स्ट फोरकास्ट आएगा वो मेरा नेक्स्ट एक्चुअल आएगा वो मेरा यहाँ पर है। अब दरमियान में तीन सेल के बाद, तीन कॉलम के बाद ये चौथे नंबर पे आई में है इस जगह पे, फिर ऐसे एम में है, फिर ऐसे अप्रैल में है, लेकिन यहाँ पे वो गैप नहीं है कि मैं इसको ड्रैग कर सकूं इक्वली वहां पे आ जाए। तो आप एक काम कीजिए ना, यहाँ पे इसकी कॉपी से जो लिंक होगा बजट पे जाइए, वापस बजट पे जाइए जी, आप कंट्रोल प्रेस कीजिए और सबको सिलेक्ट कर लीजिए, एक दो तीन चार पांच, ठीक है, कॉपी कीजिए, कॉपी हो गया, वापस जाइए पेस्ट एज लिंक कर दीजिए पेस्ट एक्सप्रेशन में। चलिए मैं इसको ना यहाँ पे कर लेता हूँ फॉर अ टाइम भी, है ना। ठीक है, तो ये बिल्कुल रेफरेंस आएगा सामने एग्जैक्टली पेस्ट लिंक से, तो मैं जब पीछे चेंज करूंगा ये भी चेंज होता जाएगा जी हाँ। लेकिन ध्यान रखिएगा आपके इसमें माइनस लगाया हुआ है, बट इसमें माइनस नहीं है, अब माइनस कैसे लगाएंगे इस पे, वापस यहाँ पे देखिए आपका जो नाइन है आपका माइनस में, हाँ नाइन माइनस में बिल्कुल,
यहाँ भी माइनस लगाना पड़ेगा आपको। हाँ जी, एक एक करके लगाएंगे। नहीं वो तो फंस जाऊंगा मैं। तो सेलेक्ट कीजिए डेटा को, कंट्रोल एच कीजिए, इसमें आप कीजिए इक्वल और नीचे इक्वल माइनस, माइनस इक्वल माइनस, इक्वल ही रहना चाहिए ना फॉर्मूला के लिए, इक्वल माइनस ये रिप्लेस ऑल कर दीजिए, हो गया। ओके अच्छा तो ये क्या कर रहा है, ओके कि ये जो इक्वल का साइन था, इक्वल के साइन को इक्वल माइनस के साइन से रिप्लेस कर दिया सिंपल सा तरीके से। ओके तो पेस्ट लिंक जबरदस्त 8.572 है, तो अगर मैं इसको ये राउंड फिगर में है वहां पर राउंड कर दीजिए ना। हां वही ना, मैं एक सेकंड, ये मैंने यहां पे पता नहीं कंट्रोल जेड कीजिए हो जाएगा, मैं कंट्रोल जेड से नाम चेंज नहीं होता, कंट्रोल जेड मैंने किया तो नहीं होगा, कंट्रोल जेड से नाम चेंज नहीं होता, कंट्रोल जेड से इसका नाम अनसेव करना पड़ेगा, लिख दीजिए। ये चीज मैं आपको बताऊंगा, ये चीज आपको आगे क्लास में समझ में आएगी, ठीक है ना, जो किया है ना ये आगे आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये आप करेंगे, करवाएंगे ना मुझे अभी? हाँ करवा देंगे, पेस्ट एज ए लिंक तो मैंने आपको करा ही दिया, रिप्लेस आगे क्लासेस में है, फॉर्मेटिंग आपकी इससे कल से स्टार्ट होगी। अच्छा ठीक है, ये चले चले, ये तो जबरदस्त होगा क्योंकि ये पेस्ट लिंक बड़ा, इसमें और भी क्वेश्चन है लेकिन जैसे ये खत्म हो जाएगा ना जब ये सारा ये ठीक है, अब क्या है अभी जो चिप पूछ रहा है ना वो पढ़ाएंगे आगे, तो इसलिए दिक्कत है अभी। जब पेस्ट लिंक आपने बोला तो पेस्ट लिंक आपको पढ़ाया, तो पेस्ट लिंक से आपका एक प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया ना सर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दूसरा आपको माइनस बार बार लगाना पड़ेगा, तो मैंने वो भी बता दिया कि माइनस के लिए आप रिप्लेस कर दीजिए, हो गया। तो एक मिनट, अब यहीं पे जब मैंने पेस्ट लिंक यहाँ पे, जब मैंने फॉर एग्जाम्पल एक सेकंड, जब ये मैंने यहाँ पे पेस्ट लिंक किया क्योंकि पेस्ट लिंक से जो क्वेश्चन है वो रेंट था, ठीक है, ये देखिए अगर कंट्रोल 2 3 4 ठीक है, ये मैंने कंट्रोल प्लस सी किया, ये मैं इधर आ गया, यहाँ पे मैंने पेस्ट लिंक कर दिया, ठीक है, अब मैंने माइनस भी कर दिया। मेरा क्वेश्चन ये है कि अब मैंने नीचे वालों को लेके आना था, अगर मैं नीचे वालों को ड्रैग करूंगा तो खुद ब खुद दे देगा, मैंने नहीं सीक्वेंस है ना आपका, तो ऐसा तो नहीं है कि रेट के नीचे कुछ और है, वहां डेटा में रेट के नीचे यूटिलाइज है तो आ जाएगा, तो लेकिन अगर वो सीक्वेंस है तो देखें। अच्छा ठीक है, स्टोरेज ऑफिस में, ये देखो स्टोरेज और ऑफिस में तो कुछ नहीं है ना, जीरो है, लेकिन यहाँ पे वो मुझे फिर भी 932 दे रहा है, अगर मैं इसको नीचे ड्रैग किया तो आपका एक मिनट में नहीं नहीं हुआ, ऊपर जाके देखिए डॉलर साइन लगा हुआ, फिर डॉलर साइन हटाना पड़ेगा। हाँ डॉलर साइन हटा दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए डॉलर को ब्लैंक से, हो गया। हेलो फिर सेलेक्ट कीजिए, डॉलर साइन हाँ सेलेक्ट कीजिए पूरे को, कंट्रोल एच कीजिए, रिप्लेस वहां पे डॉलर, ऊपर में डॉलर साइन दीजिए और नीचे कुछ मत दीजिए। हो गया डबल हट गया, रिमूव हो गया, अब नीचे ड्रैग कीजिए, तो ये सारा मुझे बहुत, लेकिन दिक्कत ये हुआ ना कि आपका ये देखिए आपका रेट्स है, यूटिलाइज है, रिपेयर है, रेंट आपका, रिसेंट कॉस्ट है, बट आपको डेटा में ऐसे तो नहीं है ना, डेटा में तो अलग अलग है, रेंज नहीं है, तो आपको यहाँ ऊपर आपको क्या करना होगा, बजट में जाना होगा, बजट में जाइए एक बार, और बजट में आप देखिए कि जैसे आप बोल रहे थे कि आपका नेक्स्ट क्या लेना है, रेट्स के बाद क्या लेना है आपको, रेट्स के बाद मुझे लेना स्टोरेज एंड ऑफिस, तो है अगर यहाँ सीक्वेंस में है तो वहां सीक्वेंस में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, और अगर सीक्वेंस में नहीं है तो आपका रो नंबर देख लीजिए ना, फिर रो नंबर रिप्लेस कर दीजिए, जैसे मान लीजिए आपको बैंक चार्जेस चाहिए, इसका 65 है, हाँ जी 65 है, तो आप वहां पर जाइए डेटा पे, और जब ड्रैग किया है आपने, जो ड्रैग नीचे नीचे जो ड्रैग किया वो नहीं नीचे ऊपर छोड़ दीजिए, यहाँ पे खाया तो मैनुअली 65 लिख दीजिए, या फिर सेलेक्ट करके 61 65 से रिप्लेस कर दीजिए। ओके तो ये 65 ओके ओके, सो कंट्रोल प्लस एच
और ये जो है ये फॉर एग्जांपल सेलेक्ट कीजिएगा, नहीं नहीं गलत कर रहे हैं आप, एक गलत कर रहे हैं, सिलेक्शन करके वरना पूरा जहां जहां 60 होगा वहां 65 हो जाएगा, सिलेक्शन जरूर कीजिएगा, एक सिंगल सेलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट कर लिया ना अब इसको मैंने, एक सेल सिलेक्ट है ना, दो कीजिए, कम से कम दो सेल सिलेक्ट होना चाहिए। ओके ओके दो कर लेते हैं, ठीक है, दो या दो से ज्यादा। अब कीजिए 62 को 65 से रिप्लेस, हो गया। ठीक है, या फिर एक एक करके कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, अगर आपका रिप्लेस अगर आपको लग रहा है तो एक एक कॉपी पेस्ट कर दीजिए, जैसे आपने ऊपर किया है नीचे भी कर लीजिए। ठीक हो गया, ठीक हो गया, वो डॉलर साइन रिमूव कर देना है और पेस्ट लिंक स्पेशल कर देना है। ठीक 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 ठीक, तो तब वो नीचे सारा ले लेगा जी। तो अगर वो सारा नहीं लेता तो फिर हमें वो एक एक वो जाके देखना पड़ेगा कि उसकी रो नंबर क्या, फिर वहां पर रिप्लेस करनी पड़ेगी रो नंबर। जी हां सही सही हो रहा, ठीक ठीक। लेकिन हां हम इसको खत्म करते हैं और हम अपना लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन डेफिनेटली आई होप सो कि आप मुझे हम और डिटेल में जाएंगे इन चीजों में। ठीक है, तो अब बैक टॉपिक आते हैं। तो यहां पे जैसे आपने देखा हमने पेज से पिक्चर कर लिया बट लिंक नहीं, अगर मैं यहां पे कुछ चेंज करता हूं तो मेरा डेटा चेंज नहीं, इस पे चेंज नहीं होगा, या कोई वैल्यू चेंज किया चेंज नहीं होगा, क्योंकि लिंक रहे सिंपल पिक्चर। तो हम क्या करेंगे कि हम इसको सिलेक्ट करके कॉपी करते हैं और यहां पे हम पेस्ट एज ए पिक्चर लिंक कर देते हैं। पेस्ट एज पिक्चर लिंक क्या हो जाएगा, ये आपस में लिंक हो जाएगा। अगर मैं कोई वैल्यू भी चेंज करूं या कोई फॉर्मूला चेंज करूं तो अपने आप से 15 ना दिख रहा ना सर, मैं 15 को यहाँ पे 500 करके एंटर मारता हूँ, यहाँ पे 500 हो जाएगा, ये पिक्चर लिंक है। और अगर इसी फाइल में जिसको आपने कॉपी पेस्ट करके इधर कॉपी किया और पेस्ट है, पिक्चर लिंक किया, अगर इसी में कोई फॉर्मूले लगे हुए हैं तो वो फॉर्मूला भी इसमें जाएगा? नहीं, फॉर्मूला का रिजल्ट आएगा, जो जो यहाँ रिजल्ट आ रहा है ना वो यहाँ विजिट करेगा। ये रिजल्ट कैसे आया हुआ है इसी से कोई मतलब नहीं है, बस ये रिजल्ट कुछ होता है। इसे मान लीजिए इक्वल 50+30 है, राइट, ठीक है, 50 आ गया, यहाँ जस्ट 50 शो कर रहा है, 50 किससे आया इसको इस पिक्चर लिंक को मतलब नहीं है, बस उसकी रिजल्ट 50 को शो करेगा। अच्छा, ये सिर्फ रिजल्ट को फाइनल को शो करेगा बस। ओके, इसका यूज आगे हम डैशबोर्ड में बताएंगे आपको, इसका बहुत अच्छा खासा यूज है, आगे हम इसको आपको डैशबोर्ड में बताएंगे। ठीक है, ठीक है, समझ गया। उसके बाद छोटी मोटी चीजें हैं जैसे कि कट कॉपी तो पता ही है, फॉर्मेट प्रिंट का पता है क्या होता है? हाँ, ये उसके फॉर्मेट को प्रिंट कर लेता है बस। हाँ, तो इसमें एक चीज है, जैसे मान लीजिए कि आपको कई सारे जगह पे करना है तो उतना बार आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके क्लिक करना पड़ेगा ना, आप सिलेक्ट कीजिए और जस्ट डबल क्लिक कर लीजिए, हटेगा नहीं सर, जहाँ क्लिक करना ये नहीं पता था डबल क्लिक वाला। सही सही, क्लिक वापस हटा दीजिए क्लिक तो आपका हट जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। अब अभी जो है क्लिक बोर्ड को मैंने फाइनल कर दिया है, मतलब कि हमारा ए कॉपी पेस्ट फाइनल हो गया। अब इसकी प्रैक्टिस आप लोग करना शुरू कर और फिर हम मंडे आपसे बात करेंगे कि इसमें क्या चीजें आपकी नहीं समझ में आया उसको हम दोबारा रिपीट कर। ठीक है, ठीक है, क्लास आप खत्म करने लगे हैं? हाँ, आज क्लास जल्दी खत्म करूंगा, तो बता रहे फायदे है। क्या हुआ, एक टॉपिक हमारा खत्म हो गया आज, तो आगे की टॉपिक पढ़ने से पहले थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए आप इसकी, वरना आगे की चीज पढ़ोगे तो पीछे की चीज भूल जाएंगे। ओके ओके, तो कॉपी पेस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके आगे जो फॉर्मेटिंग वाला पार्ट है वो भी इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अगर मैं अभी इसको पढ़ा दिया तो आप इस पे ध्यान नहीं दे पाए, तो पहले आप इसको अच्छी तरीके से ध्यान दें। साथ में हम आपको एक लिंक वीडियो लिंक प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, ठीक है, उसको एक बार आप देख लीजिएगा, अगर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा तो हम आपको पढ़ा देंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास के बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी है, लेकिन क्या है कि सब लोगों की समझ अलग अलग होती है ना सर, कुछ लोग समझ पाते हैं कुछ लोग समझ नहीं पाते, तो इसलिए हम उनको पहले एक ये दे देते हैं, उसका वीडियो दे देते हैं,
अगर आप वीडियो से समझ पा रहे हैं कि हाँ ये मैं समझ सकता हूँ, तो मैं फिर आपको बता दूंगा। ये पेस्ट इज ए पिक्चर से ही लोकेट, ठीक है? ठीक है, यार आपको मेल कर दिया है, व्हाट्सएप कर दे, व्हाट्सएप कर दिया। तो आप क्लिपबोर्ड में एक 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 टॉपिक और आ गया, माफ कीजिए मैं भूल गया था, एक टॉपिक और आ गया, और ये टॉपिक शायद आपको यूजफुल होगा। अच्छा बताइए, आप कुलेट करते हैं डेटा को? क्या हुआ? डेटा को कुलेट करते हैं, कुलेट मतलब कंपाइल, कंपाइल हमें करना पड़ता है डाटा को। यही तो मैं आपको एक्सेल के ऊपर दिखा रहा था, इतनी शीट्स होती हैं उनको कंपाइल करना, तो वो वैसे ही नहीं, मैं आपको यही चीज समझा रहा हूँ। जैसे कि मेरे पास कुछ डेटा है, ठीक है, पेस्ट पेस्ट, 5 शीटों में डेटा है, राइट? ठीक है, 5 शीट में डेटा है, मैं इसको वैल्यू पेस्ट करके फॉर्मूला हटा देता हूँ। अब मुझे इसको 6th शीट में एक के नीचे पेस्ट करना है। आप क्या करेंगे कि आप इसको कॉपी करेंगे, डेटा में जाएंगे, इसको पेस्ट करेंगे, फिर दूसरे शीट पे आएंगे, फिर डेटा को कॉपी करेंगे, फिर आप जाएंगे डेटा शीट में, नीचे जाएंगे और फिर पेस्ट करेंगे, तीसरे शीट में जाएंगे, डेटा को कॉपी करेंगे और फिर इसको वापस नीचे जाके पेस्ट करेंगे, यही करेंगे ना सर? हाँ बिल्कुल। अब मैं आपको इस काम को 50% में, 100% तो ऑटोमेट नहीं, बट हाँ 50% मैं इसको ऑटोमेट कर सकता हूँ। आपको कॉपी पेस्ट करने से पहले यहाँ दिख रहा है कि आइकन क्लिपबोर्ड का, इसको ऑन कर लीजिए। ऑन कर लिया, ऑन कर लिया। अब यहां पे मैं जाता हूं, एक मिनट, हाँ सर, हेलो,
हेलो सॉरी सर, एक डैड का कॉल आ गया था। नो प्रॉब्लम। अब उनसे बात नहीं करता तो आर्मी से रिटायर है ना सर।